गणेश चतुर्थी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भवनों शिव मंदिर परिसर में भव्य हनुमान चालीसा पाठ, गणेश आरती व हिंदू जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट भैरव सिंह उपस्थित हुए। उनके आगमन को लेकर झमाझम बारिश के बीच भवनों से सही सहित आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों बाइक में सवार हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली, भगवान ध्वज व भारत माता की जय, जय श्री राम व हिंदुत्व के उद्घोष के साथ भवनों के अश्रुक पेट्रोल पंप पहुँचे और मुख्य अतिथि की अगुवाई व स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुँचे, जहाँ विहिप विभाग सह मंत्री गुमला केशव चंद्र साय, लोहरदगा जिला विहिप के सतीश पांडे, गुमला जिला सुरक्षा प्रमुख मनीष बाबू, बजरंग दल के भरनू प्रखंड अध्यक्ष सुदामा केशरी, समाज सेवी किशोर साहू, श्रीकांत केशरी ने भगवा अंगवस्त्र उड़ाकर भैरव सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भैरव सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू माता बहनों व युवा वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। बीते दिनों हमारे राज्य के दुमका की एक बहन को जिंदा जलाकर मारने की घटना व नरकोपी में आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना झारखंड सरकार के हिंदुओं के प्रति अच्छी मानसिकता व तुष्टिकरण को दर्शाता है। हमारी हिंदू बहन के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। हिंदू समाज कानून का सम्मान करती है। कानून को हाथ में लेने वाले गद्दारों व कुकर्मियों से अपनी रक्षा के लिए हर हिंदू सक्षम है। हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं बंद नहीं हुई तो हिंदू के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए सभी हिंदुओं को संगठित होकर तैयार रहने की जरूरत है। इस देश के सभी सुविधा, सुरक्षा व संसाधनों पर पहला अधिकार हम हिंदुओं का है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अंकिता सिंह का फोटो दिखाकर लोगों से उसकी आत्मा की शांति और न्याय के लिए प्रार्थना करने की अपील की और सरना सनातन हिंदू धर्म भगवान बिरसा मुंडा श्री राम के जयघोष के साथ पूरे माहौल को हिंदुत्वमय बना दिया। उनके अभिभाषण के दौरान उपस्थित माता बहनों व युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।